धार जिले के पीतमपुर थाना सेक्टर एक के अंतर्गत अकोलिया ग्राम की एक सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। जिस जमीन पर कैलाश सोलंकी ने दावा किया है कि अपने पूर्वजों के साथ 100 सालों से कब्जा है और साथ ही गांव के ही घिसीलाल रघुवंशी इन दिनों उसी जमीन पर अपना कब्जा करने की फिराक में है। सुबह घिसीलाल ने जमीन पर कुछ लोगों के साथ मुरम डालने चाही तो बेटा आकाश और दीपक सोलंकी के विरोध किया, जिस पर घिसीलाल ने अपने भाई और परिवारजन के साथ तीनों को जमकर पीटा, जिसका वीडियो भी बना लिया गया जो अब आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो में साफ देख रहा है कि दो युवक लाठी और डंडे से आकाश को पीटते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कैलाश सोलंकी अपने दोनों बेटों के साथ इस मामले पर पीतमपुर थाने पर पहुंचा, जहां पुलिस ने थाने पर तीनों पिता पुत्रों को बैठाकर और घिसीलाल रघुवंशी के थाने पर आने के बाद दोनों पक्षों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीतमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। हमारे पुराने टाइम से मतलब वो खड़े की जगह है, वहाँ पर हमारा कब्जा था और मकान भी था छोटा सा, उसमें हम गाय भैंस का वो भूसा भरते थे और वो मकान था वो पानी की वजह से गिर गया, उसमें हमने छोड़ दिया, उसमें भराव कर दिया था। उसके बावजूद इन लोगों ने ज़बरदस्ती किया है, फिर हमने भराव किया तो इन्होंने रोक दिया, हम रुक गए। चौहान साहब आए थे, उन्होंने हमको समझा दिया था कि भाई आप भी कुछ मत करना, ये भी कुछ नहीं करेंगे। इसके अलावा फिर इन्होंने मतलब बागुर वो जेसीपी से मतलब बराबर किया है, हमारा भराव था वो भी बराबर किया है, इन्होंने भराव किया। किसने किया है? ये घिसीलाल रघुवंशी उनके तीनों लड़कों के द्वारा। आपके सर पे चोट लगी है, वो कैसे लगी भी? सर ये हम जैसे अभी आज वो खंभे गाड़ रहे थे, वो फेंसिंग करवा रहे थे तो हमने रोकने की कोशिश करी उनको। हाँ, रोकने की कोशिश करी तो पत्थर और लकड़ी से मारने के लिए वो पत्थर और लकड़ियों से औरतों वगैरह सब आई, उन्होंने मतलब छिना छनी कर पत्थर मारे लकड़ी मारी है। अब टोटल 15 से 16 जने थे और हम 15 से 16 जने थे, उसको बावजूद उन्होंने अपने आप मतलब लेडीज को कपड़े फाड़े और बोले इनका वीडियो है वो रिपोर्ट दो, साले को बंद कराओ, ये हरिजन समाज में है, इनको यहाँ पे रहने मत दो, जान से ख़त्म कर दो और जो कुछ होगा सब निपट लेंगे। बोले अपने पास में जमीन जायदाद 60-70 बीघा है। कौन से गांव का मामला है ये? अकोलिया हॉस्पिटल के पास। अभी थाने में आपने रिपोर्ट लिखवाई, क्या हुआ उसमें? थाने में सर रिपोर्ट लिखी, नॉर्मली रिपोर्ट लिखी है जो हम वैसे बताए, इतना पूरा तो उन्होंने लिखा नहीं है, जैसे हमने जैसे बताया है एक से भी कम लिखा है। भाई ऐसी ऐसी विवाद थी, हमने आवेदन दे कर रखा है, उसके बावजूद इसके पहले भी आपने आवेदन दिया है जमीनी विवाद का, वो कहाँ दिया है? इसके पहले भी आवेदन दिया है, एक तो अपन कलेक्टर में दे के आए, फिर उसके बाद एक एसपी ऑफिस में भी दिया, एक तहसील में भी दिया, उसका कोई कार्रवाई हुई नहीं दिया। और अभी ये मौके पे जाने के पहले मैंने 100 नंबर डायल भी किया था, उधर से फोन भी आया था, वो आ भी रहे थे पर सही टाइम पर पुलिस भी नहीं आ पाई। आपका नाम बता दीजिए। कैलाश सोलंकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।